कार्तिक अंकल एंट्री लीजिए। क्या हुआ, क्या बात, तुम्हारा कार्तिक आए नहीं अभी तक? टट्टी कर रहा है वो, चक्कर में नहीं आए। क्यों बवासीर हो गई क्या, ना उतर रही? क्या बात कुत्ते जी, मेरा मतलब कार्तिक जी, एंट्री क्यों नहीं लेते हो? हुड़ हुड़ दबाऊ दबाऊ दबाऊ, हुड़ हुड़ दबाऊ दबाऊ, हुड़ हुड़ दबाऊ दबाऊ, हुड़ हुड़ दबाऊ दबाऊ, हुड़ हुड़ दबाऊ दबाऊ। आइए कातिया जी। क्या बात कातिया जी, इतनी देर कैसे हो गई, टट्टी नहीं उतर रही थी क्या? पानी खत्म हो गया था। अच्छा चलो कोई नहीं, बैठो बैठो। आइए कुत्ता जी, हमारे तो भाग्य खुल गए जो आप यहाँ पधारे। ओ तभी से बात करिए यार, इनका कुत्ता जी कातिया है। एक बात समझ में नहीं आ रही यार मुझे, ये सनी देवल के साथ में ये कातिया कैसे आ गया? कुछ तो गड़बड़ है सनी देवल। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये असली सनी देवल नहीं, ये नोकल सनी देवल है, ये हमारे टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता है। कुत्ता कुत्ता नहीं हूँ मैं, कुत्ता। ठीक है नहीं मुद्दे, कातिया का मेरे पास सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन ये नहीं पता वो रखी कहाँ है। और मैं कातिया कुत्ता नहीं हूँ, वो मुझे चाउमीन बर्गर मोमोस पिज्जा सब कुछ खिलाता है। आई बात तेरे समझ में मुद्दे, मैं तेरी टट्टी निकाल दूंगा। हाँ मेरी जान। बॉडीगार्डो एक घंटे के लिए तुम बाहर जाओ, हमें पर्सनल बात करनी है अपनी। ओके कातिया जी। अरे कातिया जी, तुमने इसे कैसे घर में रख लिया है, ये तुम्हें बिल्कुल बर्बाद करके रख देगा। बस बुड्ढे बस, मैं इसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता, ये मेरा पालतू कुत्ता है। कुत्ता इसे मैं टिकिन चौमिन बर्गर यानी खाने को पास्ता भी देता हूँ। नहीं कातिया जी, आपने मुझे आज तक पास्ता नहीं खिलवाया है, ये आप झूठ बोल लो। मानता हूँ मैं आपका कुत्ता हूँ, लेकिन आपके टुकड़ों पे जीता हूँ, लेकिन इतनी बेइज्जती मत करो मेरी जो आप करोगे, मुझे आपने पास्ता भी खिलवाया है। कातिया जी मैं कैसे मान लूं कि ये आपका पालतू कुत्ता है और ये मेरी लौंडे के तलवे चाटता है? मुद्दे ये तुम गलत कह रही हो कि मैं तुम्हारे लौंडे के तलवे चाटता हूँ, मैं इनका कुत्ता हूँ। जब ये कहते हैं तो मैं भौंकता हूँ, और जब ये कहते हैं तो मैं काटता हूँ, और जिस दिन ये कह देंगे तो मैं तुम्हारे लौंडे को भगा के ले जाऊंगा और तुम देखते के देखते रह जाओगे। समझा मुझे? मुद्दे अगर तेरे समझ में नहीं आया तो ले तू और सोच, मैं तेरे लौंडे को कहाँ कहाँ नहीं लेके जाता हूँ। मैं उसे मोमोज खिलाता हूँ, चाउमिन खिलाता हूँ, बर्गर खिलाता हूँ, और तुझे इस बात का यकीन नहीं है तो अपने लौंडे को खुद बुला ले और अभी पता चल जाएगा वो मेरे साथ घूमती है या नहीं। बुला यार, मैं कहीं देख रहा हूँ लोगों ने मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगती यार, अभी पता करके देखता हूँ। बुला अभी पता चल जाएगा। हाँ बुलाता हूँ, बुलाता हूँ। बुला काजल। ओ लल्ली काजल, अरे आती क्यों ना, कहाँ मर गई? हाँ बाबूजी, क्या कर रहे थे? अरे तुम फिर आ गए कुत्ते। मैं कुत्ता नहीं हूँ काजल, मैं तेरा आशिक हूँ। अरे आशिक तू, मैंने दूसरा बटा लिया, तू है पहाड़ में। कैसे कैसे बटा लिया तुमने दूसरा? मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ। अरे सच्चा ना, तो झूठा प्यार करता था? नहीं करता था, तुम मेरे साथ घूमती थी, तुमने सब कुछ कराया मेरे साथ। ओए कुत्ते कम बोल, तू ज्यादा बोल लिया है। हाय कातिया जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, एंड यू काजल? आई एम आल्सो फाइन, यू आर लुकिंग गुड। यार ये काजल बोल क्या रही है, ये तो दिमाग में फंस गया, खतरनाक इंग्लिश बोल रही है यार। नहीं कातिया, ये चीज नहीं चलेगी, मैंने आपको बताया था कि आपको काजल ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, बस करवा ली बच्ची, आपके दिमाग में गोबर भर हुआ है, गोबर टट्टी भर हुई है, टट्टी समझ लो। ये कातिया जी, ये हमारी लौंडिया है काजल, इसने एक बार इसको पकौड़ी क्या खिला दी, ये तो हमारी लौंडिया से ऐसे चिपक गया जैसे शहद से मक्खी चिपक जाती है। बस बाबूजी बस, मैंने काजल के लिए अपना अकाउंट तलक का खाली कर दिया है, और तू कह रही है कि मैंने तेरे लिए कुछ नहीं करा है? क्यों दिखाए मुझे ऐसे सपने, क्यों कर बनाया मुझे इतना काला, क्यों कर दी मुझसे शादी करने वाली बातें, और अब तू कह रही है कि मैं तेरे साथ नहीं कर सकती हूँ शादी? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, तूने मुझे खिलाया पिलाया तूने, हाँ मुझे याद है, इतना अकाउंट भी खाली हो गया था जो तूने सड़क पे बैठ के भीख मांगी थी मेरे लिए। वाह बिटिया वाह, बिल्कुल सही जा रही है।
मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो कहीं भी नहीं जा रही हूँ। मेरा मतलब उनको सही काम कर रही है। अगर आज तुम्हारी अम्मा जिंदा होती ना तो भाभी तुम्हें देख के बिल्कुल घिन नहीं काट जाती। मैं जा रहा हूँ। जब मुझे मेरे काजल ने धोखा दे दिया, मेरा अपने के साथ देंगे। मैं जा रहा हूँ और अपना पुराना पकौड़ियों का बिजनेस चालू करूंगा और अपना अकाउंट भरूंगा। मैं जा रहा हूँ, तुम आवाज दोगी क्या? चला जा भगवान, चला जा, तुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी और से प्यार कर दूं। हेलो कातिया जी, इसको तो कलेश कटा, रोज रोज परेशान करने आता था मुझे। रोज कहता था, बुद्धे बुद्धे मैं तेरी तत्ती निकाल दूंगा। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया इसने। चलो कातिया जी, आप बताएं आपकी फैमिली में और कौन कौन है? ससुर जी एक हम है, हमारे सात भाई है, 14 हमारी बीबियां हैं, 15वीं हमारी काजल रही। वाह कातिया जी वाह, आज से आप हमारे दामाद हुए। आज से मैं काजल का हाथ आपके हाथ में लेता हूँ। हेलो गाइस, तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यार वीडियो में मेहनत लगती है, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो और कमेंट करके बताएं कि किसका बात अच्छा लगा। दोस्तों आपका साथ रहा तो ऐसे हम वीडियो और बनाते रहेंगे। और जाइए जाकर काजल पेपर वाला पार्ट 1 नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, लिंक पर क्लिक करिए और जाकर देखिए। राम राम जी।